आज एक उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल को कि हो सकता है कि वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा। अरविंद केजरीवाल की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली में अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो दिल्ली पूरी तरीके से केजरीवाल की इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज एक उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल को कि हो सकता है कि वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय कई बातें कही हैं। कहा गया कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के ईडी रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी का अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्या कर सकते हैं। कानूनी जानकार कहते हैं कि ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के पास अभी दो रास्ते मौजूद हैं, जिसके जरिए वो अपील कर सकते हैं। ये भी अनुमान है कि जल्द ही वो और उनकी टीम इन कानूनी पहलों पर विचार भी कर सकती हैं। केजरीवाल के पास कौन से दो रास्ते हैं, पहले उन पर नजर डालते हैं। असल में अरविंद केजरीवाल के पास पहला रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दें, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकती है। वहीं इसके अलावा उनकी टीम निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए जा सकती है। अब देखना यह होगा कि इनमें से किस विकल्प पर केजरीवाल की टीम विचार करेगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से साफ मना कर दिया है। हालांकि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया वैसे ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा पहले वो जानते हैं। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से है, ना कि राजनीतिक नैतिकता से। ये भी टिप्पणी हुई है कि मुकदमे के दौरान सरकारी गवाहों के बयानों पर निर्णय लिया जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल जिरह करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर रहा, केवल गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला कर रहा है। मालूम हो कि ईडी की कैद और जेल का समय मिलाकर दिल्ली के सीएम 20 दिन से कैद में बंद है। 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च और फिर 1 अप्रैल तक केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 1 अप्रैल को फिर जब केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार होने की कोशिश कर रही है। देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में खुशियां भी हैं और गम भी बहुत ज़्यादा है। खुशी इस बात की क्योंकि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह जेल से रिहा हो गए, लेकिन अभी और भी बड़े चेहरे जो हैं वो जेल के अंदर ही हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये तीनों अभी भी जेल के अंदर हैं। अब ऐसे में जो सारी बागडोर है वो संजय सिंह के हाथों में आ गई है। जो बाहर बचे हैं इक्का दुक्का बड़े चेहरे, वही आम आदमी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिना कप्तान चुनावी पिच पर उतर चुकी है। अब बिना कप्तान टीम को कौन लीड करेगा, टीम कैसे काम करेगी, टीम वर्क कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, 2024 के चुनावी समर में आम आदमी पार्टी को झटका तो लगा ही है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही मुद्दा बना दिया। और इसी मुद्दों को लेकर मंगलवार से आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। जी हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च किया, जिसका नाम दिया जेल का जवाब वोट से। इस चुनावी प्रचार अभियान को लॉन्च करने के बाद मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी घर घर जाकर वोट मांगने की मुहिम में जुट गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में डोर टू डोर चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से
अपने दलित विधायक कुलदीप कुमार को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार भी बनाया है। कुलदीप कुमार कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्वी दिल्ली के लोगों में भी रोष है और इसलिए जेल का जवाब वोट से देने की मुहिम लेकर घर घर आम आदमी पार्टी जाएगी और लोगों से समर्थन भी मांगेगी। पार्टी का पर्चा लेकर गोपाल राय ने विश्वासनगर के गलियों में घर घर जाकर केजरीवाल के समर्थन में वोट भी मांगे। गोपाल राय ने बातचीत में कहा कि केजरीवाल ही चुनाव में बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के लिए जेल में बंद केजरीवाल बाहर वाले केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है, अब दिल्ली वाले उनके लिए अपना प्यार दिखाएंगे और इसलिए जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। संजय सिंह उप कप्तान माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी क्रिकेट की उस टीम की तरह हो गई है जो मैच खेलने पिच पर तो उतर आई है लेकिन कप्तान ढूंढे नहीं मिल रहा है, क्योंकि कप्तान तो सलाखों के पीछे है, कप्तान तो कैद में है। संजय सिंह पार्टी के उप कप्तान नजर आ रहे हैं तो गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी जैसे खिलाड़ियों ने मैच जीतने का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। गोपाल राय मानते हैं कि अब दिल्ली की जनता कप्तान है और इसलिए डोर टू डोर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि अब आप ही केजरीवाल हैं। विश्वासनगर की हम बात करें तो दिल्ली के साथ लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन के तीन शेयरिंग में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं जिसमें पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट शामिल है। पार्टी ने अपनी दलित विधायक को पूर्वी दिल्ली की सीट से उम्मीदवार बनाया है। चुनावी शबर की शुरुआत पूर्वी दिल्ली के उस इलाके से की जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसी गढ़ में जहां 2015-2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ही मुद्दा बना चुकी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से समर्थन मांग रही है। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद केजरीवाल के बिना क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा का समर जीत पाएगी या कैंपेन ही ठीक से हो पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनता क्या विश्वास कर पाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक सिंपथी वोट जो है वो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के लिए बनाकर रख रही है। क्या अरविंद केजरीवाल सिंपथी ले पाएंगे या फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं उसके तहत जनता समझेगी कि भ्रष्टाचारियों की अब कोई जगह नहीं है। देखिए, सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं कि केस भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। वो कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एक्साइज पॉलिसी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है बल्कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। आपके नेतृत्व वाली दिल्ली और पंजाब की सरकारों को नष्ट करने का बड़ा षड्यंत्र है। वो कहते हैं कि किसी भी राज्य को सबसे ज्यादा अंतर और जनादेश के साथ जीतने में अरविंद केजरीवाल पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं लेकिन ईडी या सीबीआई ने अब तक एक भी रुपए गैर कानूनी रिकवरी नहीं की है। इस मामले में अब तक जांच एजेंसियों के हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चंदन रेड्डी ने दबाव में अपना बयान बदला। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर की थी कि उन्हें हिरासत में पीटा गया था। अरुण पिल्लई ने बयान दिया था कि उन्हें परिवार के नाम पर धमकी दी जा रही है। आपने मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी के संबंध में अपने दावों को दोहराया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के बाद राघव रेड्डी को रिहा कर दिया गया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि धारा 164 के तहत बयान दे रहे थे या ईडी के सामने। ये साबित हो गया है कि उन्हें धमकी दी गई और बयान बदलने का दबाव बनाया गया। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले दिन दिल्ली के राव जवनी कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया। फिर 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को वैध ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इनमें हवाला डीलरों के बयान, सरकारी गवाहों के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं जिन्होंने माना है कि उन्हें गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले थे। वहीं बीजेपी इस पर पलटवार करती हुई नजर आई है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी ने भी प्रेस रिलीज की। अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के आधार पर केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हो गया है। कोर्ट स्पष्ट कहता है कि जो साक्ष्य दिए गए हैं उसे साबित होता है कि शराब नीति में गलतियां थी। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में शामिल प्रमुख व्यक्ति थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जज कानून से बनते हैं, राजनीति से नहीं। आम आदमी पार्टी इस खास मुद्दे पर राजनीति कर रही है और कोर्ट ने साफ कहा है कि उसका इससे कोई लेना देना है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शर्मसार
कर दिया है वीरेंद्र सचदेवा भी ये कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक दूसरे पर दोनों ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक साजिश बता रही है आम आदमी पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति का गलत इस्तेमाल करना बीजेपी से बता रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी कब हो पाएगा? क्या चुनाव सारे निकल जाएंगे उसके बाद, या फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा जैसे संजय सिंह को रिहा कर दिया गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि एक भी रुपये अवैध ईडी को नहीं मिला है। 15 तारीख का इंतजार है, उसके बाद देखते हैं कि इस केस में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, दिल्ली में अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो दिल्ली पूरी तरीके से केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अब फैसला यह है कि जो बीजेपी ने ठाना है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा, ये वाकई डंकी की चोट पर बीजेपी धरातल पर उतारी है या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ये आपको तय करना है। भारत एट 9 में आज के लिए कल इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।